नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दोबारा ब्रेक के बाद। वहीं नजर डाल देते इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते इस वक्त की बड़ी जानकारी। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 16 महीने बाद स्कूल खुले हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, किसी भी स्कूल में प्रार्थना नहीं की जाएगी। बड़ी जानकारी, प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा सुबह। कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन बेहद ही जरूरी होगा स्कूल में। तो छत्तीसगढ़ में लगभग 16 महीने बाद आज से स्कूल खुले हैं, और ऐसे में किसी भी स्कूल में कोई भी प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, सैनिटाइजेशन अनिवार्य कर दिया गया है स्कूलों में। इसके साथ ही आपको बताते कि जो शिक्षक और स्टाफ है उनका सैनिटाइजेशन बेहद ही अनिवार्य कर दिया गया है। किसी भी स्कूल में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह जब प्रार्थना सभा का आयोजन होता है तब भीड़ इकट्ठा होती है। इसको लेकर किसी भी स्कूल में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। तो करीब छत्तीसगढ़ में 16 महीने बाद स्कूल खुल रहे हैं, और ऐसे में स्कूल में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर छत्तीसगढ़ में 16 महीने बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं, और ऐसे में बच्चों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो कोरोना काल में लगभग मार्च से जो है स्कूल को खोलने की कवायद शुरू कर दी गई थी, लेकिन दोबारा सा दूसरी लहर आने के बाद से स्कूल को बंद कर दिया गया। तो लगभग 16 महीने बाद स्कूल को खोला गया है, और किसी भी स्कूल में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद ही अनिवार्य होगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सरकार ने स्कूल खोलने के फैसले से पहले ही कई बैठकें की थी, चर्चा की गई थी, अभिभावकों के साथ भी स्वयं ने बातचीत की थी, बच्चों के साथ भी बातचीत की थी, और उसके बाद ही ये बड़ा फैसला लिया गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कोविड-19 गाइडलाइंस का भी पालन करना बेहद ही जरूरी होगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। छत्तीसगढ़ में 16 महीने बाद स्कूल खुल रहे हैं, जहां पर कोरोना को लेकर स्थिति नियंत्रण में देखी जा रही है, और इसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर आज से स्कूल खुलेंगे। लगभग 501 दिन बाद स्कूल खोले जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कोविड गाइडलाइंस का पालन बेहद ही जरूरी होगा। तो मास्क पहनना बहुत जरूरी होगा। आपको बता दें, 50% क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे, और ऐसे में दो भागों में स्कूल को जो है खोला जाएगा। यानी कि पहली जो कक्षा होगी वो सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक खुलेंगी, और दूसरी जो है 12:45 से 5 बजे तक। तो बड़ी जानकारी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित चौरसिया हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए, राकेश पेंड्रा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, आपका रुख करूंगी, क्योंकि करीब 16 महीने बाद स्कूल खुल रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है की गई है स्कूल प्रबंधन की तरफ से? जी श्रावणी जी, जैसा कि आपने कहा कि 16 महीने बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ में स्कूल खुल रहे हैं, और निसंदेह बच्चों में उत्साह है। हम यहाँ पर शहीद स्मारक की जो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ पर मौजूद हैं, और इस समय आप देख सकते हैं कि हम इस क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बिठाया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बच्चों के लिए किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही बेंच पर एक ही बच्चे को बिठाया गया है, और सभी मास्क पहने हुए हैं। इस तरीके से कोरोना गाइडलाइन में सुरक्षा सबसे बड़ा विषय है। सुरक्षा सबसे बड़ा विषय है कि किस तरीके से यहां पर बच्चों को सुरक्षित रखा जाए। यह सरकार के लिए एक चुनौती भी है, क्योंकि सरकार चाहती है कि बच्चे सुरक्षित होकर अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख सके। आइए हम बच्चों से बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं आज, जब पहला दिन वो 500 दिनों बाद वह स्कूल आए हैं, कैसा लग रहा है। हम बात करते हैं इस बेटी से। बेटे, कैसा लग रहा है आपको आज स्कूल आके? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पढ़ाई मिस कर रही थी उस समय? यस सर। तो ये बच्ची ने बताया। आइए हम बात करते हैं एक अन्य बच्ची से। बेटा, आप जो आज क्लास आए हैं, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। स्कूल बहुत दिन में आए हैं, और इतने दिन तक घर में रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस पढ़े हैं, तो उसमें ऑनलाइन में ज्यादा मजा नहीं है जितना स्कूल आने में मजा है। उस समय आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत आती थी ऑनलाइन में समझने में?
हाँ थोड़ी बहुत आती थी, कभी नेट का प्रॉब्लम, इंटरनेट का प्रॉब्लम, ऐसे थोड़ी बहुत आती थी, लेकिन ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छा लगता है। बेटा जैसा कि कोरोना गाइडलाइन है और इसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, साथ ही आपको मास्क पहनना, कैसे आप इन चीज़ों को सैनिटाइज भी करना है, आपने आज सैनिटाइज किया है और स्कूल में किस तरह प्रवेश किया आपने? हम स्कूल में आए और क्या बोलते हैं, सबसे पहले सैनिटाइजर हमको वो करा, प्रोवाइड हुआ, और फिर उसके बाद कोरोना का मशीन से चेक भी हुआ और हम आए और हमें बहुत आज अच्छा लगा, और मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि आज स्कूल आना है और जल्दी उठ के स्कूल आए, और बहुत मज़ा आया आज स्कूल आने में। निसंदेह बच्चों में उत्साह है, वो 500 दिनों बाद स्कूल आए हैं और स्कूल में उनको अच्छा लग रहा है, स्कूल में वह अपनी शिक्षा को निरंतर जारी रखना चाहते हैं। आइए हम बात करते हैं क्लास टीचर से, क्योंकि इनके लिए भी एक विशेष गाइडलाइन कोरोना में रखी गई है कि इन्हें समय समय पे सैनिटाइज करना पड़ेगा और बगैर सैनिटाइजेशन के वो स्कूल में नहीं आ सकेंगे। तो हम बात करते हैं जो शिक्षिका है, कक्षा शिक्षिका, उनसे बात करते हैं। मैडम जैसा कि कोरोना गाइडलाइन में आप लोगों के लिए भी एक विशेष गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया गया, क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए जैसे मैं अपने साथ सैनिटाइजर हमेशा रखती हूँ और साथ ही मैं मास्क पहनी हुई हूँ, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें ख्याल रखना है, और जब हम लोग स्कूल में एंट्री करते हैं तो हमारा टेम्परेचर भी देखा जाता है, और जब हम नॉर्मल रहते हैं तभी हमको एंट्री करने मिलता है, तो ये सारे गाइडलाइन का पालन करते हुए हम अपना टीचिंग करेंगे। जी, जिस तरीके से स्टाफ को एक अनिवार्य रूप से ना केवल सैनिटाइजेशन बल्कि उनका टेम्परेचर भी चेक होगा, और इस तरीके से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, स्कूल में आप देख सकते हैं कक्षा 11वीं 10वीं देखने को मिल रहा है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी राकेश भी लगातार बने हुए। राकेश, आपसे जानना चाहूंगी कि पेंड्रा में बच्चों में कितना उत्साह, क्योंकि बेहद ही ज्यादा समय के बाद स्कूल खुला है, तो ऐसे में स्कूल प्रबंधन की तरफ से वहां पर क्या कुछ तैयारियां? लगभग 16 महीने बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं। आज सरकार के कोविड गाइडलाइन के नियमों के तहत स्कूलों को खोला गया है, क्योंकि 16 महीने बाद स्कूल खुले हैं, बच्चे 16 महीने बाद स्कूल आ रहे हैं, तो इससे पहले कि स्कूल खुलने से पहले स्कूल को प्रॉपर सैनिटाइज किया गया है, साथ ही स्कूल में जो मास्क है वो अनिवार्य कर दिया गया है, साथ ही 50% बच्चों के साथ स्कूल लगाना ये एक सरकार की गाइडलाइन है। हमारे साथ स्कूल के प्राचार्य हैं, उनसे बात करके किस तरह की जो कोरोना गाइडलाइन उसका पालन करते हुए स्कूल को खोला गया और किस तरह से स्कूल का संचालन किया जाएगा, किस तरह से स्कूल का संचालन करेंगे? हमारा विद्यालय सर वास्तव में 16 महीने के बाद जरूर खुल रहा है, लेकिन हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों से लगातार जुड़े हुए हैं और उनका कोर्स अपडेट उसी तरीके से हुआ है जैसे ऑफलाइन के माध्यम से हुआ है, लेकिन बच्चों का पीयर ग्रुप लर्निंग जो आपस में मिलने के बाद जो होता है वो ज़्यादा प्रभावी होता है, इसलिए हम सब लोग बहुत ही हर्षित हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं, हमारे बच्चे और हमारा स्टाफ बहुत ही खुश है कि हमारे बच्चे अब हमारे साथ आएंगे और उनके साथ हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। इसके लिए जो कोरोना के गाइडलाइंस है सोशल डिस्टेंसिंग, तो इसके लिए 50% जो स्टूडेंट हैं उन्हीं को हम अलाउ कर रहे हैं, 40 बच्चे का यदि क्लास है तो उसमें 20 बच्चे ही हमारे पास आएंगे, और उसके बाद सभी बच्चों का मास्क अनिवार्य है, साथ ही साथ सैनिटाइजर और सोप से हैंड वॉश करने के बाद ही वो परिसर में जाएंगे, और बच्चों के आने के पहले पूरे स्कूल कैंपस प्रीमाइसेस बाहर जो परिसर है सभी को हाइपोक्लोराइड के द्वारा सैनिटाइज कर दिया गया है, और हम लोग हर 15 दिन में सैनिटाइज करने का प्लान रखे हुए हैं, और हमको उपचार साहब से कुछ बच्चे उनसे चर्चा करते हैं, फिर उनको कितनी उत्साह है 16 महीने बाद स्कूल आने का, कितना खुशी है उनके मन में, जी क्या मना? क्लास 12 16 महीने बाद स्कूल आए हैं, कैसा अनुभव, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक 16 महीने स्कूल बंद था लेकिन हमारे स्टाफ द्वारा पर डे ऑनलाइन के माध्यम से क्लासेस चली हैं, जिससे ही हमारे कोर्स कंप्लीट हुए हैं, और 16 महीने बाद जब आज स्कूल ओपन हो रहा है तो हमें बहुत खुशी है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ वापस क्लास में बैठकर पढ़ेंगे जी। और मास्क के लिए बिल्कुल राकेश, या बच्चों में भी उत्साह देखा जा रहा है, इसके साथ ही तमाम स्कूलों द्वारा, स्कूल प्रबंधन द्वारा सभी तैयारियां कर ली जा रही। फिलहाल अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसके साथ ही इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।